हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एरोमेटिसिटी, अ वेरी हॉट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर IIT JEE एडवांस लेवल मेंस एंड नेट गेट एट्सेट्रा। एरोमेटिसिटी के क्वेश्चंस सारी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। कुछ बेसिक टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसको कि अगर आप फॉलो करेंगे देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ईजीली, वेरी ईजी। ओके, द क्वेश्चन केम इन जून 2011 CSIR नेट। तो ये क्वेश्चन करते हैं हम। अब क्वेश्चन CSIR नेट के अलावा गेट या IIT JEE एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। अमंग द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस, अमंग द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस गिवन बिलो, निम्न जो कार्बोकैटायन दिए गए हैं उनमें, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट होमोएरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड एरोमेटिक। ये तीन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज यू मस्ट नो कि व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एंड होमोएरोमेटिक कंपाउंड। सो बेसिक जो फार्मूला होता है, बेसिक जो रूल होता है दैट इज़ हकल रूल। हकल का जो रूल है वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल याद होना चाहिए। हकल का जो रूल है सिंपल सा एक या दो स्टेप्स का रूल है वो। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट मेंबर लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का, दैट इज़ बेंजीन। बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 4, 6, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। If a molecule consists, if a molecule is cyclic, number one, if a molecule is cyclic, consist 4n+2 pi electron। 4n+2 का मतलब क्या है? n = 0, 1, 2, 3, 4। n = 0 अगर पुट करेंगे तो कितना होना चाहिए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो चलेंगे हमारे सिस्टम में। उसके बाद n = 1 रखेंगे तो है ना, 4 × 1 = 4 + 2 दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो भी चलेगा। एंड 2 रखेंगे तो 4×2 = 8 और 2 = 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो भी चलेगा। अ मॉलिक्यूल दैट इज साइक्लिक प्लेनर मस्ट कंसिस्ट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा एक रेजोनेंस फैक्टर भी होता है कि इट मस्ट पजेस रिंग करंट। इसमें रिंग करंट भी होना चाहिए। करंट वर्ड का यूज़ इसलिए करते हैं बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या होती है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। सो जो फ्रेमअप करें अगर हम पूरे सेंटेंस को तो क्या है? अ मॉलिक्यूल मस्ट साइक्लिक, नंबर 1, नंबर 2 इट शुड बी प्लेनर, नंबर 3 इट कंसिस्ट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड नंबर 4 कंजुगेशन मीन्स रिंग करंट, इट मस्ट कंसिस्ट रिंग करंट। अगर ये 4 चीज़ों को कोई भी मॉलिक्यूल फॉलो करता है, इफ अ मॉलिक्यूल फॉलो ऑल दीज 4 कंडीशंस देन मॉलिक्यूल सेड टू बी एरोमेटिक। अगर इन 4 कंडीशन को कोई भी मॉलिक्यूल फॉलो करता है तो हम इसे गाइस क्या कहेंगे? एरोमेटिक कहेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स है। आप देखिए यहाँ पर जो सारे आपके जो कार्बन हैं दैट इज व्हाट, sp2 हाइब्रिड, हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? प्लेनर इन शेप होते हैं। ज्योमेट्री जो उनकी होती है वो क्या होती है? प्लेनर होती है। तो सारे के सारे 6 के 6 कार्बन क्या है? एक ही प्लेन में है। एंड दी हाइड्रोजन इज आल्सो इन द सेम प्लेन ऑफ दैट ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन भी क्या है? कार्बन के प्लेन में ही है। तो बेंजीन जो है ये हकल रूल को पूरा के पूरा फॉलो करती है, इसलिए बेंजीन को हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब एरोमेटिक से ही एंटी एरोमेटिक की उत्पत्ति हुई है। इसके जस्ट आगे अगर आप क्या करेंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की जगह 4n पाई इलेक्ट्रॉन कर दें, 4n पाई इलेक्ट्रॉन कर दें, 4n पाई इलेक्ट्रॉन कर दें, और सारे के सारे रूल वही रखें, सारे के सारे रूल वही रखें। मीन्स मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, मस्ट बी साइक्लिक, नंबर 1, नंबर 2 इट शुड बी प्लेनर, नंबर 3 इट कंसिस्ट 4n पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर 4 कॉन्जुगेशन में रिंग करंट। ये सारी की सारी चीज़ें अगर फॉलो होती है तो मॉलिक्यूल अगर 4n+2 के जगह 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है देन इट सेड टू बी एंटी एरोमेटिक। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की। एरोमेटिक 4n+2, एंटी एरोमेटिक 4n पाई इलेक्ट्रॉन, तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। एक टर्म और आती है होमो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक क्या है? पूरा के पूरा ही एरोमेटिक को फॉलो करेगा। होमो एरोमेटिक में पूरा के पूरा जो क्लॉज होगा वो एरोमेटिक का फॉलो होगा, लेकिन इसमें एक कार्बन जो होगा वो sp3 होगा, एक कार्बन जो होगा वो sp3 होगा। और अगर sp3 कार्बन हुआ तो क्या हो जाएगा? वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। sp3 कार्बन होगा तो क्या होगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो क्या है, फॉर एग्जांपल 6 या 5 कार्बन एक ही प्लेन में रहेंगे और एक कार्बन क्या हो जाएगा, sp3 वाला, वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो इन दैट केस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए, रिंग करंट होना चाहिए, मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, एंड इट कंसिस्ट 1sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, 1sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द रिंग, देन इट इज होमोएरोमेटिक, वो होमोएरोमेटिक होगा। मॉलिक्यूल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो आप देखिए ये क्या है, ऑक्टाट्राइन है, ये ऑक्टाट्राइन है और वो भी क्या है उसका कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव आयन है। तो यहाँ पर क्या है 2, 4, 6 तो पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है मॉलिक्यूल, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। यहाँ पर क्या रेजोनेंस हो जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, रेजोनेंस होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है इट शुड बी आउट ऑफ द प्लेन, है ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर आल्सो। अगर क्या है कार्बन और हाइड्रोजन इसी प्लेन में तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी पाई ऑर्बिटल्स की वो क्या होगी, आउट ऑफ द प्लेन होगी। आउट ऑफ द प्लेन जो रिंग डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो मूव करती है। तो ये मॉलिक्यूल क्या है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। उसके बाद में ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो इस मॉलिक्यूल को ऐसा भी लिख सकते हैं 7 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कार्बन तो आपके ऐसे हो जाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड 7 कार्बन तो ऐसे हो जाएंगे, एंड 1 आउट ऑफ द प्लेन दैट इज CH2, एंड 1 डबल बॉन्ड, 2nd डबल बॉन्ड, 3rd डबल बॉन्ड, एंड दिस पॉजिटिव चार्ज। सो ये जो हो जाएगी दैट इज रिंग, पॉजिटिव चार्ज। ये जो मॉलिक्यूल है ऑक्टाट्राइन, इस मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसा भी डिजाइन कर सकते हैं, इट इज नॉट आफ्टर ऑल मॉलिक्यूल, इट इज अ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन ऑफ ऑक्टाट्राइन, वी कैन डिजाइन लाइक दिस। सो दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, नॉट एरोमेटिक, बिकॉज इसमें क्या है एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन भी है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आउट ऑफ दी प्लेन हो जाएगा। सो एरोमेटिक जैसा ही है लेकिन ये होमो एरोमेटिक है, मैंने अभी आपको समझाया था। तो ये आपका क्या है होमो एरोमेटिक। बी पे आते हैं, बी क्या है 2, 2, 4। सबसे पहले नंबर 1 मॉलिक्यूल साइक्लिक है, नंबर 2 मॉलिक्यूल प्लेनर भी है, ठीक है। सारे कार्बन क्या है आपके sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। उसके बाद में क्या है ये sp3 था तो एक यहाँ से आपका बॉन्ड क्ले हो गया तो sp2 हो गया, ये भी 2, 2, 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है। n = अगर आप 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0, और n = 1 रखेंगे तो 4×1 = 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें मॉलिक्यूल में है। सो इफ मॉलिक्यूल कंसिस्ट 4n पाई इलेक्ट्रॉन देन इट इज व्हाट, नॉट एरोमेटिक, इट इज एंटी एरोमेटिक। ओके गाइज, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज आपके बॉन्ड क्या हो जाएंगे, मूव होंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, एंड सो ऑन वी विल गेट सम रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर और सम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑल्सो ऑफ दिस कंपाउंड। सो ये जो कंपाउंड होगा ये हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक, बिकॉज ऑफ सारे के सारे एरोमेटिक के इसमें क्लॉज फॉलो हो रहे हैं, लेकिन एक क्या है क्लॉज है 4n पाई इलेक्ट्रॉन का जो कि एंटी एरोमेटिक का है। नंबर 3 पे जाते हैं, 3 पे जाएंगे तो ये क्या है, ये तो वेल नोन मोलिक्यूल है, वेल नोन कार्बोकैटायन है जो कि एरोमेटिक होता है, फिर भी हम इसको कंडीशन को फॉलो करवा लेते हैं। नंबर 1 इट इज प्लेनर, नंबर 2 पजेस रिंग करंट, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज आपका बॉन्ड रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो करता है, n = 0 रखिए तो कितना आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और उसके बाद में सारे के सारे क्लॉज क्या है आपके एरोमेटिक के हैं, इसमें सारे के सारे क्लॉज एरोमेटिक के हैं, sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक हो जाएगा। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, सारे के सारी चीज़ें एक जैसी ही है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है एरोमेटिक, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है रूल को, anti-aromatic, and this is also follow what 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन मीन्स पूरा का पूरा एरोमेटिक का है। लेकिन एक जो इसमें सिग्निफिकेंट इसमें जो फीचर्स है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो ये हो जाएगा आपका होमोएरोमेटिक। तो ए होमोएरोमेटिक, बी एंटी एरोमेटिक एंड सी एरोमेटिक। सो ए इज द राइट चॉइस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन केम इन दिसंबर 2011 CSIR NET. Among A to C, A, B and C, we have to illustrate what three structure A, B and C. The aromatic compound are aromatic compound आपको फाइंड आउट करना है, इसमें aromatic compound कौन होगा देख लेते हैं। दिस इज what 2, 4, 6, 8, 10, 10 एन्युलिन, ये 10 एन्युलिन है। सिंपल सा लॉजिक है कि ये क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रेन, बॉन्ड स्ट्रेन इसमें इतना ज़्यादा होगा कि इसकी जो प्लेन है इसका वो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। लाइक दिस जो आप बोट एंड चेयर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ये मॉलिक्यूल लाइक दिस इस प्रकार से हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 कार्बन। साइक्लोहेक्सेन में हम लोग है ना आपको पढ़ाते हैं व्हाट रिंग स्ट्रक्चर एंड बोट स्ट्रक्चर। तो रिंग स्ट्रक्चर और बोट स्ट्रक्चर जैसा है मॉलिक्यूल हो जाएगा इस प्रकार से। इसकी प्लेनरिटी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। तो ये तो आपका एरोमेटिक नहीं है, हमको एरोमेटिक फाइंड आउट करना है। सेकंड मॉलिक्यूल को देखते हैं, सेकंड मॉलिक्यूल में क्या है, ये दोनों जो रिंग है ये दोनों रिंग एक प्लेन में रहेगी, और जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर होगा रिंग के। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 10 इलेक्ट्रॉन मीन्स 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। n इक्वल टू आपको 2 रखना है, 4, 2, 8, 10। सारा का सारा एरोमेटिक का इसमें मटेरियल है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन आपका अगर प्लेन के बाहर है तो पूरी की पूरी रिंग क्या होगी आपकी, प्लेनर होगी, और कॉन्जुगेशन भी है। तो ये तो एरोमेटिक है, और ये तो आपका क्या है नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन तो आपका एरोमेटिक होता ही है। 2, 4, 6, 8, 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये एरोमेटिक हो जाएगा आपका। तो आपका बी और सी तो क्या है, एरोमेटिक है, और ए को क्या कहेंगे आप लोग, एंटी एरोमेटिक कहेंगे, नॉन एरोमेटिक रहेंगे। तो ये आपका क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, जो कि मैंने आपको ये बताया नहीं है। एक होमो एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया और एरोमेटिक हो गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज आल्सो रिमेंस दैट इज नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है आपका। तो योर करेक्ट आंसर इज बी एंड सी। सो वेयर इज बी एंड सी, बी एंड सी इज द सी ऑप्शन। सो बी एंड सी इज द राइट आंसर। Okay guys, I am starting this new series of aromaticity for you. और aromaticity के अलावा मेरी क्वांटम केमिस्ट्री की एक सीरीज चली रही है, जिसमें 3 से 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आफ्टर दैट सॉलिड स्टेट की सीरीज भी चल रही है। सो इफ़ यू आर नॉट टिल दैट यू डिड नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। जस्ट अ मिनट। सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यू विल गॉट वेरियस वाइफरकेशंस ऑफ क्वेश्चंस और टॉपिक्स एटसेट्रा। तो आप वहाँ पर आप इजीली सर्च कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। एंड नेक्स्ट टाइम तक के लिए थैंक यू वेरी मच।